हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने HP प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैंने मेरे चैनल पर HP प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर्स आप देख रहे हो, इसके अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस में हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत सारे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 10% to 15% जो भी कमेंट्स है उसमें व्यूअर्स के दो बेसिक डाउट्स हैं, यानी कि दो बेसिक क्वेश्चन हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है वो आप जान लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि व्यूअर्स ने नया वाला HP प्रिंटर खरीदा तो जब उन्होंने पैकेट को खोला, उसकी अनबॉक्सिंग की, उसके अंदर उनको ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर का CD नहीं मिला। तो अब उनका डाउट ये है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर का CD जो है वो अवेलेबल नहीं है तो वो अभी कैसे इसके सॉफ्टवेयर को या फिर इसके जो ड्राइवर से उसको डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्यूअर्स ने नया वाला प्रिंटर खरीदा, उसके अंदर उनको CD भी मिला, यानी कि जो सॉफ्टवेयर CD है HP का वो भी उनको मिल गया, लेकिन उनके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में CD ड्राइव नहीं है जिसमें वो CD डाल सके, तो अब उस केस में वो अपने प्रिंटर के सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर को कैसे लोड करे। तो इन दोनों जो ये जो दो सवाल है उनका बेसिक आंसर बस यही है कि आप डायरेक्टली जाकर HP के ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर या फिर जो ड्राइवर है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि वो प्रोसेस क्या है, आप ऑनलाइन से कैसे किसी भी HP प्रिंटर के सॉफ्टवेयर और ड्राइवर को डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसा आप देख सकते हो यहां पर मैंने 3 प्रिंटर्स लिए हैं और तीनों ही प्रिंटर्स आपका अपने कैटेगरी में सबसे बेसिक मॉडल है, यानी कि बेस मॉडल, यानी कि स्टार्टिंग मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रिंटर आप देख रहे हो टॉप वाले में है, ये हमारा सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर है और इस वाले प्रिंटर का बेस मॉडल जो है वो है HP 1212। अगर मैं आपको पास से दिखा पाऊं तो यहां पर आप प्रिंटर का जो नाम है वो देख पाओगे, HP डेस्कजेट 1212। ये जो प्रिंटर है ये हमारा HP सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर का बेस मॉडल है। ये वाला जो प्रिंटर आप देख रहे हो जो व्हाइट कलर का नीचे वाला है, ये है हमारा ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर और इसका मॉडल नंबर है 2131, यानी HP 2131 हमारे ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर का बेस मॉडल है। सिमिलरली राइट साइड वाला जो आप देख रहे हो ये एक इंक टैंक प्रिंटर है, HP 310 ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। तो HP 310 हमारे ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर का बेस मॉडल है। तो मैंने ये तीनों प्रिंटर इसीलिए लिए हैं ताकि मैं इन तीनों प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके ऑनलाइन से आपको दिखा पाऊं। अगर इनके ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं आपके HP ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली इसके जो हायर वर्जन है उनके सॉफ्टवेयर और जो ड्राइवर्स है वो अवेलेबल रहेंगे। तो अभी इस वीडियो के दौरान मैं ये जो ऊपर वाला प्रिंटर है इसी को यूज करूंगा, वीडियो के बीच में मैं इन दोनों प्रिंटर्स को भी यूज करूंगा क्योंकि तीनों प्रिंटर्स को एक साथ अगर मैंने यूज किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक प्रिंटर को यूज करके हम पूरा प्रोसेस देख लेंगे, बीच में हम इन दोनों प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर को कैसे लोड करते हैं वो भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो जैसा आप देख सकते हो गाइज, हमारा जो प्रिंटर है वो रेडी हो चुका है, जो लैपटॉप है वो अभी रेडी है, ऑन है और मैंने इसे अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप कैसे इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर और ड्राइवर को वो हम जान लेते हैं। तो गाइज अभी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसे ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए HP स्पेस सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स। तो देखिए नीचे आपका आ चुका है तो अब हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे, आपको टाइप करना है HP सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स, बस उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करोगे तो आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आप यहां पर देख रहे हो support.hp.com INEN फिर आपका स्पेस ड्राइवर्स, बस उसे ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका वो जो पेज है, यानी कि जो HP का ऑफिशियल पेज है वो आपका खुल जाएगा। तो लिंक आप जान लीजिए support.hp.com/in-en/drivers। ये जो लिंक है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक कीजिए और ये वाला पेज जो है ये आपका खुल जाएगा। तो बाकी जो चीजें हैं अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा,
पहला है आइडेंटिफाई, दूसरा है डाउनलोड, तीसरा है इंस्टॉल। तो अभी इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर और जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या आता है, लेट्स आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट टू गेट स्टार्टेड, प्रिंटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अदर, आपका जो भी प्रोडक्ट है HP का उस पर क्लिक कीजिए। तो क्योंकि अब हम प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए हम प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंटर के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर आपका आ गया एंटर योर प्रोडक्ट नेम, यानी आपका जो भी प्रिंटर है उसका मॉडल नंबर जो भी है, उसका नाम जो भी है, वो आपको एग्जैक्टली यहां पर टाइप करना है, पूरा सेम टू सेम। अगर यहां पर देखो तो यहां पर आपका दिया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर टू फाइंड योर प्रोडक्ट नेम, तो आप कहां से अपने प्रोडक्ट नेम को देख सकते हो। मेरे साइड में अभी मैं एक मिनट गाइस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं धीरे से। तो यहां पर अगर आप देखो तो प्रोडक्ट नेम है HP डेस्कजेट 1212। तो एग्जैक्टली आप इस तरह से ही अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लिखिए, कैपिटल या स्मॉल वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्पेलिंग आप देख लीजिए और किस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, HP स्पेस डेस्कजेट स्पेस 1212। तो अब हम वापस अपने स्क्रीन की ओर आते हैं, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूं गाइस। हाँ, तो अब आप यहां पर टाइप कीजिए HP स्पेस डेस्कजेट स्पेस 1212। अगर आपका प्रिंटर और सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर अवेलेबल होगा इस प्रिंटर के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो देखिए पहला आ गया हमारा HP डेस्कजेट 1212, तो इसका जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है वो इस वेबसाइट में अवेलेबल है। तो अब आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है, लेकिन मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसे वापस फिर से डिलीट करता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे नाम था मेरा प्रिंटर में वैसा मैं यहां पर टाइप नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ HP 1212 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए ड्रॉप डाउन में आपका HP डेस्कजेट नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा, बहुत से लोगों को लगेगा कि हमारा जो प्रिंटर है उसका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अवेलेबल होगा। इसीलिए हमेशा प्रिंटर का नाम जो भी दिया गया होगा वैसा ही एग्जैक्टली आप यहां पर टाइप कीजिए, तभी ही आपका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर अगर अवेलेबल है तो आपका डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम वापस इसमें डेस्कजेट ऐड कर देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो डेस्कजेट हो गया, डेस्कजेट होने के बाद ये हमारा आ गया। तो जो पहला वाला है HP डेस्कजेट 1212 प्रिंटर, उसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे, अब हम दूसरे स्टेप को बढ़ गए। देखिए यहां पर अभी डाउनलोड को हम आ चुके हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रिंटर है उसका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर अभी अवेलेबल हो गया है। तो यहां पर अगर आप देखो सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स फॉर HP डेस्कजेट 1212 प्रिंटर, नीचे आपका सब सॉफ्टवेयर और ड्राइवर दिया गया है। यहां पर देखिए चूज अ डिफरेंट प्रोडक्ट दिया गया है, मेरे लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS जिसे हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहां पर डिटेक्ट हो चुका है। अगर आपका ऑटोमेटिकली यहां पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ गलत डिटेक्ट हो रहा है, तो आप उसे चूज करके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसके हिसाब से वो आपका ड्राइवर और सॉफ्टवेयर दे देगा। तो अब यहां पर देखिए ऑल ड्राइवर्स लिखा हुआ है, यानी नीचे आपका जो भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर चाहिए वो आपका दिया गया है। तो सबसे पहले वाला जो आप देख रहे हो ड्राइवर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका रेकमेंडेड सॉफ्टवेयर रहता है। यानी मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं गाइस आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो प्रिंटर का जो इमेज है वो भी आ चुका है, जो कि 1212 का इमेज है। तो अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद ये हमारा पहला वाला है जो मैंने कहा। फिर सिमिलरली नीचे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को क्लिक करते हैं और उसके नीचे यूटिलिटी डायग्नोस्टिक टूल्स को भी क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा आप देखोगे तो ये जो ऊपर का जो भाग था जहां पर रिकमेंडेड लिखा हुआ था, ये आपका पहला जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वो है। जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वो ये जो नीचे जो दो चीजें दिए गए उनका मर्ज करके यहां पर दिया गया है। यानी आप इसे अगर इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो भी है वो आपका ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिसे हम टोटल सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। एक प्रॉब्लम अगर आप ये करते हो, रेकमेंडेड के नीचे आपका दिया गया, देखिए इंस्टॉल HP स्मार्ट, तो अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो आपका एक प्रॉब्लम अराइज होगा, और वो क्या है, अगर आपको इंस्टॉल इसे करना है तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत है, जैसे आपका जीमेल अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको यूज करना होगा, यानी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देने के बाद ही यह आपका होगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप ये लोड कर लीजिए, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप इंडिविजुअली नीचे जो सॉफ्टवेयर है 1, 2, 3 आप लोड कीजिए, क्योंकि ये जो तीन आप देख रहे हो इनको मर्ज करके ही इस वाले में डाला गया है। तो अगर आप इसे लोड करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत है और आपको एक अनजिप
सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये आपका जिप फाइल में डाउनलोड होगा, तो उसे अनजिप करने के लिए यानी उसे पूरा खोलने के लिए आपको एक अनजिप सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर वो सब आपको नहीं पता यानी आप उसको उतना आइडिया आपका उसमें नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये जो नीचे जो दो दिए गए हैं इन्हें आप इंडिविजुअली डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला वाला जैसे आप देख रहे हो HP डेस्कजेट 1200 सीरीज प्रिंट एंड स्कैन कैन ड्राइवर एंड एसेसरीज दिया गया। सिमिलरली HP ईजी स्टार्ट प्रिंटर सेटअप सॉफ्टवेयर, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए इंडिविजुअली, और जो तीसरा वाला है उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए इंडिविजुअली। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इंडिविजुअली डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसे हम क्लिक करते हैं, तो जैसा आप देखो यह हमारा अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यह हमारा नीचे आ चुका है, यह अभी हमें डाउनलोड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस बैक चलते हैं। तो बैक के लिए आप जो यहां पर बैक का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। बैक जाने के बाद सिमिलरली ऊपर थोड़ा सा जाइए, बाकी के जो दो लिंक्स थे उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, यानी इस वाले को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वापस दूसरा पेज आ जाएगा, फिर से नीचे देखिएगा आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन भी। सिमिलरली आप पीछे जाइए वापस बैक, फिर से आप जाइए जो नीचे वाला है यूटिलिटी डायग्नोस्टिक टूल उसे क्लिक कीजिए, और उसका भी जो डाउनलोड ऑप्शन है उसे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए तीसरा वाला भी हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब इन तीनों को डाउनलोड होने दीजिए, डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तब आपका HP का 1212 का जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है वो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। देखिए तीनों अभी शुरू हो गए हैं डाउनलोड होना। तो अब हम क्या करेंगे, वापस बैक चलते हैं। तो आपका टोटल MB जो डाउनलोड होगा, एक मिनट गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो दूसरा वाला और ये तीसरा वाला आप इंडिविजुअली एक एक को डाउनलोड कर लीजिए। इसका स्पेस 72 MB, इसका 9 MB, इसका 11 MB है, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 MB आपका टोटल, 90 to 100 MB आपका है टोटल। तो वो डाउनलोड होने के बाद आप इन सबको ओपन कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। तब तक मैं जैसे मैंने कहा था अपने वीडियो के शुरू में, मैं आपको जो बाकी के जो प्रिंटर्स है उनके बारे में भी बता देता हूं। जो HP 2131 और HP 310 मैंने कहा उनके सॉफ्टवेयर्स और ड्राइवर्स अवेलेबल है या नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वापस हमारा फ्रंट पेज आ गया, प्रिंटर्स को क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ HP स्पेस डेस्क जेट 2131। अगर अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली नाम जो है वो आ जाएगा। तो देखिए नाम आ चुका है HP डेस्कजेट 2131 ऑल इन वन प्रिंटर। तो इसे हम अभी क्लिक करते हैं, यानी उस वाले प्रिंटर के भी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स अवेलेबल है। तो जैसे हमने इसे क्लिक किया तो इसका जो भी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है इस प्रिंटर के लिए वो आपका अभी अवेलेबल हो जाएगा नीचे। तो देखिए ये आपका अवेलेबल हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह के कोई प्रिंटर है तो आप उसका जो भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते। अगर आप स्पेस की बात करें तो ये थोड़े से ज्यादा है कंपेयर टू 1212, क्योंकि इसमें आपका स्कैन का ऑप्शन भी रहता है, तो स्कैन का सॉफ्टवेयर भी आपका डाउनलोड होगा। सेम प्रोसेस आप यूज करके डाउनलोड 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 तीनों को क्लिक कर लीजिए, और तीनों को क्लिक करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाए उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। सिमिलरली अगर हम पीछे जाए वापस HP 310 की बात करें तो यहां पर आप देखिए HP इंक टैंक 310, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपको यहां पर क्लिक करें। तो देखिए यहां पर आपका आ गया, तो अब हम इसे भी क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे HP 310 इंक टैंक प्रिंटर के जो भी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर वो भी आ जाए। देखिए अब हमारा जो इमेज है इंक टैंक का वो भी डिस्प्ले हो गया है। तो सिमिलरली देखिए यहां पर आपका नीचे आ गया, तो यहां पर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर यूटिलिटी और यूटिलिटी जो भी यहां पर आपका ऑप्शन है वो आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। सिमिलर प्रोसेस में जैसे 1212 का हुआ था उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स अवेलेबल है वो आपका यहां पर मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप इसे यूज कीजिए। तो अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो जैसा आप देख सकते हो गाइज, यहां पर हमारा जो तीनों डाउनलोड है वो डाउनलोड हो चुका है, जो तीनों सॉफ्टवेयर और तीनों ड्राइवर हमें चाहिए थे 1212 के लिए, क्योंकि मैंने तीन डाउनलोड किए थे तो तीनों यहां पर अवेलेबल है। अब आपको इनको इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो अब आपको बस हर एक फाइल पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये हो रहा है मैं बाकी दो को भी क्लिक कर लेता हूं, एक ही बार में सब कुछ हम इंस्टॉल कर लेंगे।
तो देखिए ये आपका आ गया, आपको बस यहां पर यस क्लिक करना है। सिमिलरली दूसरा वाला भी आ गया, उसे भी यस क्लिक कर लीजिए। तीसरा वाला अभी भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये हो गया, तो ये भी वापस आ जाएगा, इसे भी हम यस क्लिक कर लेंगे, इसे भी आप यस क्लिक कर लीजिए। तो अब आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर या ड्राइवर, वो आपका अभी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा अभी वेट करते हैं गाइस, इंस्टॉलेशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर अभी शुरू हो गया, यहां पर लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिन बाय इंस्टॉलिंग द नेसेसरी प्रिंटर सॉफ्टवेयर एंड कनेक्ट द प्रिंटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो प्रिंटर है उसे हम अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने हमारे प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया। अब आपको यहां पर देखिए कुछ नया डाउनलोड अपडेट दिया गया है, उसे भी आप कर लीजिए, सब कुछ आपका होने दीजिए एक साथ में। नीचे आपका दूसरा वाला जो है प्रिंट एंड स्कैन डॉक्टर, उसे भी स्टार्ट कर लीजिए। तो एक ही बार में जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपका जो भी है कंटिन्यू कर लीजिए, जो भी चीज है सब आपका इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, क्योंकि इंस्टॉलेशन है एक कंप्लीट प्रिंटर सीरीज का, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। तो गाइस जब आप इंस्टॉल कर लोगे, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद आपका इस तरह का आइकॉन आएगा, HP डेस्कजेट 1200 सीरीज। ये 1200 सीरीज है और 1200 सीरीज के अंदर ही आपका HP 1215 बाकी सब है। सिमिलरली आप दूसरा वाला देखिए, यहां पर लिखा है HP डेस्कजेट 2130 सीरीज, ये 2131 प्रिंटर का है, इसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। सिमिलरली ये इंक टैंक 310 सीरीज का है, इसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। तो इस तरह के कुछ आइकॉन्स आपको आएंगे जब आप आपके जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर लो। बाकी के जो भाग देख रहे हो आप, यहां पर लिखा है HP डेस्कजेट 1200 सप्लाई, यहां पर 2130 का सप्लाईज, यहां पर 310 का सप्लाईज, ये सब आपका टेम्प्रेरी है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आपका मेन है जो भी आइकॉन के साथ आपका जो भी सॉफ्टवेयर दिया गया है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें आपका टेम्प्रेरी है, सेकेंडरी है, वो आपका ऑटोमेटिकली मेन डाउनलोड के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जब आपका आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में आपका पर्टिकुलर प्रिंटर का जो भी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप कैसे जानोगे इंस्टॉल हुआ है या नहीं, चलिए एक फोटो का हम प्रिंट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर एक मिनट गाइस, मेरे चैनल का लोगो है तो इसे हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहां पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है राइट साइड में ऊपर, तो मैं इसे बस क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा आपका जो भी है वो आ गया। मैं इसे थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये मेरा पिक्सल खराब हो गया, इसलिए यहाँ पर काला हो चुका है। तो जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपने जिस भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया होगा जिस प्रिंटर का, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा HP डेस्कजेट 1200 सीरीज, HP इंक टैंक 310 सीरीज, HP डेस्कजेट 2130 सीरीज दिखा रहे, क्योंकि तीनों का जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है वो मैंने इंस्टॉल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंटर आपका कनेक्ट है अभी, जैसे आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो मेरा डेस्कजेट 1212 कनेक्टेड है, तो उसमें अब हम एक प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारा अच्छे से प्रिंट हो। तो इसे आप सिलेक्ट कीजिए, 1200 सीरीज सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे बस यहां पर जो प्रिंट का ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं गाइस, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। मैं अपना जो कीबोर्ड है उसे निकाल देता हूं, क्योंकि मेरा लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो खराब हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हो हम जो आउटपुट रहे उसे निकाल देते हैं और यहां पर आप अभी प्रिंट को क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप प्रिंट को क्लिक करोगे तो आपका प्रिंटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैं इसे भी सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा ऑन कर लेता हूं, ताकि आपको अंदर का भाग जो है सॉफ्टवेयर का वो दिखा सकूं। तो जैसे आप देख रहे हो प्रिंटर शुरू हो चुका है, यहां पर रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस दिखा रहा है। तो HP 1212 के जो भी चीजें होंगे वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तब तक सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रिंट आउट हमारा निकल रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट प्रिंट आउट है। तो ये देखिए हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है। तो अब हम वापस जो सॉफ्टवेयर की बातें हैं वो थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर आप देख सकते हो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, या अगर मैं इसे क्लिक करता हूं
तो देखिए यहां पर अभी आपका कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो प्रिंट दिया था वो हो चुका था। मैं वापस फिर से एक बार इसे प्रिंट करता हूं, तब आपको पता चलेगा। फिर से प्रिंट करते हैं, फिर से मैं यहां पर प्रिंट करता हूं क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो चुका है। प्रिंट करते हैं, उसके बाद जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे हम खोलते हैं और यहाँ पर सी वर्ड्स प्रिंटिंग को देखते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है उसका नाम भी यहाँ पर आ चुका है। तो वापस फिर से राइट साइड को थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ और आप देखिए प्रिंटआउट जो है वो हमारा अभी निकल रहा है। तो ये भी आपका जो लोगो है निकल चुका है। सिमिलरली आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत से चीजें कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए आपका इंक लेवल जो है वो कितना है आपके कैटरेजेस में, वो आपका शो कर रहा है, वो भी हम देख लेते हैं कितना इंक अवेलेबल है। क्योंकि ये HP 805 कैटरेजेस है, 805 कैटरेजेस में आपका थोड़ा सा ज्यादा इंक आप यूज कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो एस्टिमेटेड कैटरेज लेवल एक्चुअल लेवल में वेरी दिया गया है, तो इसे हम अभी क्लोज कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर आपका बहुत सा चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मेंटेन करना है अगर आपको प्रिंटर को, इसको क्लिक कीजिए मेंटेन के लिए। आप जो अगर आपका कुछ अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा है या फिर कैटरेजेस को क्लीन करना है या फिर क्लीन प्रिंटर करना है, तो आपको बस यहां पर जो भी ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। जब आप क्लीन कैटरेजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर अपने अंदर जो कैटरेजेस भरे हुए हैं उसे क्लीन करना शुरू कर लेगा। सिमिलरली क्लीन प्रिंटर ऑटोमेटिकली प्रिंटर के अंदर अगर कुछ धूल मिट्टी जमे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भी उसका अंदर का भाग है वो खुद ब खुद वो ठीक कर लेगा। तो इस तरह से आप गाइज इस जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर से उसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप 310 प्रिंटर यूज कर रहे हो तो 310 प्रिंटर के लिए आपको 310 सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा। अगर आप ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर यूज करो तो उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली अच्छे से बता दिया है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।